नमस्कार जी, मैं धनराज अहला होता है हूँ रिटौली गांव में। जैसा कि तस्वीरों में देख पा रहे, हमारे साथ सरपंच मंजी जी जुड़ चुके हैं। आइए जानते हैं इनसे रिटौली गांव में क्या क्या समस्याएं हैं, क्या कार्य करवाना चाहते हैं। नमस्कार मंजी जी। नमस्कार जी। मंजी जी, सबसे पहले नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ। आपको भी बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ और सभी दर्शकों को। मंजीत भाई, अभी आप क्या क्या कार्य करवा चुके हो और क्या कार्य करवाने वाले हो? हमने सर एक ऐसी खेत का रास्ता था जो 80 साल से बंद पड़ा था, यानी अंग्रेजों के टाइम से वो रास्ता कागज में था लेकिन मौके पे नहीं था, वो निकल बनवाया है। उसके अलावा बहुत सी गली वगैरह आखड़ी वगैरह ठीक कराई है, लेकिन अब आने वाले टाइम में मैं खेतों के रास्ते के लिए कोशिश करूँगा, क्योंकि गाँव में तो सरकार अभी पैसा 25 लाख रुपये की लिमिट कर रखी थी, वो लिमिट के हिसाब से तो मैं लगा के बैठ गया, पैसे लगा दिए मैंने। तो खेत के रास्ते के लिए 25 लाख रुपए के जो लिमिट है वो काम बहुत नहीं पड़ेगी, कम रहेगी वो, तो इसलिए अब दोबारा नए साल में काम कराने अच्छे कोशिश करेंगे और खेत के रास्ते बनवाएंगे। मंजीत भाई, आपने प्रस्ताव में क्या कह दिया था? मैंने प्रस्ताव में बहुत कुछ दे रखा है जी, कम से कम 100 काम ऐसे दिए थे, जो अपने एक थूर वाला रास्ता है, एक भीखा वाला रास्ता है, एक बड़ाड़ा वाला रास्ता है, एक छप्पर वाला रास्ता है, एक अपने दादा चंदन वाले रास्ता है, बहुत सारे रास्ते दे रखे मैंने सारे खेत, किसी भी खेत में कोई जाने के लिए कोई कच्चा रास्ता ना हो। और एक दो रास्ता बनवाया भी है अभी, एक जो डहर में अपने खाते में से रास्ता जाता है वो नया बनवा दिया मैंने, पुरानी ईंट का, पुरानी ईंटों से जो गली की ईंट उखाड़ के और उसके यहाँ नहीं लगवा दी और उन पुरानी ईंटों से खेत का रास्ता बनवा दिया। मंजीत जी, गांव में पीने के पानी की व्यवस्था कैसी है? लगभग ठीक है पीने के पानी की, लेकिन डिग्गी वाले पानी में परेशानी आती है कई बार, जैसे कहीं से नल टूट गए तो उसका पानी खराब आ रहा है, या फिर टाइम से पानी नहीं आ रहा, सुबह 4 बजे पानी छोड़ देता है। अब गर्मी में तो दिन में 2 बजे टाइम छोड़ देगा, जिस टाइम लोगों की सोने का टाइम हो, और सर्दी में सुबह 4 बजे छोड़ देगा, जिस टाइम कोई अपनी भैंस नहला सकता ना, कुछ भी नहीं कर सकता हो, और सुबह 4 बजे लोगों की नींद खराब करते हैं, और बताने के बाद भी उसको समझा दिया कम से कम मैंने 4-5 बार, फिर भी वो यही कर रहा है, डिग्गी वाला पानी वाला गलत कर रहा है, उसको समझाएंगे। गांव में सफाई व्यवस्था कैसी है? गांव में सफाई कर्मचारी का तो ऐसा है जी, बस मुश्किल से ये है कि हम ना तो उनको हटा सकते ना उनकी बदली कर सकते, वो तो मतलब 1-2 घंटा काम करते मुश्किल से। पहली बात तो आते ही महीने में 20 दिन है मुश्किल से, और उसमें से 1-2 घंटा काम करा और घर पहुंच जाते हो। सफाई व्यवस्था में अच्छी बात अच्छा नहीं चल रहा है, अपनी खुद की सफाई करवानी पड़ेगी, वो अलग चीज़ है। गांव में स्कूलों की व्यवस्था कैसी है? गांव में स्कूलों की व्यवस्था ठीक ठाक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसा है कि बरामदे में दिक्कत आ रही है थोड़ी सी, वो गिरने को हो रहा है, उसको बनवाने के लिए मैं बहुत बार चक्कर काट चुका हूँ PWD विभाग के भी और अपने जेई साहब के भी, इन्होंने एस्टिमेट बढ़ा के नहीं दे लिया, अभी आने वाले टाइम में करवाएंगे उनको भी 1 तारीख के बाद। अभी बैठे बैठे स्कूल के बारे में किन किन से मिले हो अभी तक? स्कूल के बारे में मैं अपने जो जेई है सेक्रेटरी ने प्रस्ताव करके दे दिया था, जेई है जेई उसका वो क्या नाम एस्टिमेट नहीं बढ़ा पा रहा है, क्योंकि जेई भी नया है ना, अभी एक्सपीरियंस नहीं उसको, और PWD विभाग में गया था मैं PWD वाले पास कि जिसके इसको पंडम घोषित करके और इसका अपना एस्टिमेट तैयार कर दो, उसके बाद ही इसका कुछ हो पाएगा, अभी 1 तारीख के बाद करवाएंगे इसको। हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहोगे? आपके दर्शकों को यही संदेश देना चाहेंगे, नववर्ष की शुभकामनाएं, आने वाला साल आपके लिए बढ़ोतरी का हो, और हम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे गाँव को अच्छे स्तर पर ले जाएं।